हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सक्सेस केंद्रा। दोस्तों, आप सभी को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी जानते हैं कि इसी दिन 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। दोस्तों, किसी भी सभ्य समाज के संचालन के लिए कुछ नियम कायदों की ज़रूरत होती है। लोकतांत्रिक प्रणाली में संविधान के जरिए इसकी व्यवस्था की जाती है। संविधान किसी भी देश की शासन प्रणाली और राज्य को चलाने के लिए बनाया गया एक दस्तावेज होता है। अथक प्रयास के बाद 1949 में 26 नवंबर के दिन भारत के संविधान को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को इसे लागू कर दिया गया था। इस विशेष वीडियो में हम अपने संविधान बनने की कहानी और उससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जानेंगे। ये सारी बातें केवल परीक्षा के दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि एक नागरिक होने के कर्तव्य से भी हमारे लिए यह जानना महत्वपूर्ण है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहेंगे। दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किस पार्टी ने प्रस्तुत की थी? आपके ऑप्शंस हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, मुस्लिम लीग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम 1924 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था और स्वराज पार्टी के संस्थापक मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास थे। तो आप ध्यान रखिएगा। दूसरा प्रश्न, सर्वप्रथम भारत का संविधान किसने बनाया था? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोतीलाल नेहरू। ध्यान दीजिएगा, 1928 में ही मोतीलाल नेहरू और कांग्रेस के 8 अन्य नेताओं ने भारत के एक संविधान लिखा था। ध्यान रखिएगा। तीसरा प्रश्न है, संविधान सभा का गठन निम्न में से किसके संस्तुतियों के आधार पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, साइमन कमीशन या फिर भारत शासन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन 1946 ईस्वी में भारत आया था और इस समय वायसराय लॉर्ड वेवल थे। इस मिशन के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। तो आप इनका नाम याद रखिएगा, तीन सदस्य थे। इनका नाम इम्पोर्टेंट है और पूछा जाता है। चौथा प्रश्न, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शंस है नवंबर 1946 ईस्वी को, जुलाई 1947 ईस्वी को, जुलाई 1946 ईस्वी को या फिर जनवरी 1946 ईस्वी को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जुलाई 1946 ईस्वी को। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पांच नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शन हैं 11 दिसंबर 1946, 9 जुलाई 1947, 9 दिसंबर 1946 या फिर 26 जनवरी 1946। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। ध्यान दीजिएगा, 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुई थी। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का विरोध किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। छः नंबर प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सात नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक देशी रियासत थी जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे? आपके ऑप्शंस हैं हैदराबाद, बम्बई, मद्रास या फिर जम्मू कश्मीर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हैदराबाद। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? ऑप्शंस हैं 15, 33, 20 या फिर 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 15। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। यहाँ पे कुछ सदस्यों का मैं नाम बताता हूँ, इनका नाम इम्पोर्टेंट है, खास करके आप इनको ध्यान रखिएगा। हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे,
रेणुका राय, सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचेता कृपलानी और विजयालक्ष्मी पंडित। तो इनका नाम अब ध्यान रखिएगा। संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने चर्चा किया है संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे, तो वे थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और इस प्रश्न में पूछा जा रहा है संविधान सभा का अस्थाई अध्यक्ष कौन थे। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की कार्यवाही का उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह आपके प्रीवियस ईयर में कई बार पूछा जा चुका है। आपके ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के उपाध्यक्ष इनमें से कौन थे? आप में से बहुत सारे ऐसे मित्र होंगे जिनको इसका आंसर पता नहीं होगा, जान लीजिए। आपके ऑप्शंस हैं एच सी मुखर्जी, वी टी कृष्णामाचारी, बी एन राव या फिर ऑप्शन डी, ई और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ई और बी दोनों, यानी एच सी मुखर्जी और वी टी कृष्णामाचारी, ये दोनों संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे। और अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 12 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों समिति संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कुछ अन्य समिति थी और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो आप खास करके ये जो जितनी समितियाँ हैं इनको आप अवश्य याद रखिएगा। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? आपके ऑप्शन हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी एन राव, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बी एन राव। संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया था? बी एन राव ने तैयार किया था। 14 नंबर प्रश्न है, प्रारूप सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्यों की संख्या कितनी थी? आपके ऑप्शंस हैं 15, 7, 10 या फिर 5। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 7 थी। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 थी। 15 नंबर है, संविधान सभा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का निर्वाचन कहाँ से हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं बम्बई, पश्चिम बंगाल, मद्रास या फिर हैदराबाद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल से। यह भी प्रश्न कई बार प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप इनको ध्यान रखिएगा। ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद अपनी रिपोर्ट कब पेश की थी? आपके ऑप्शन हैं 26 नवंबर 1949, 21 फरवरी 1948, 9 दिसंबर 1949, 26 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 21 फरवरी 1948 ईस्वी को प्रारूप समिति ने अपना रिपोर्ट पेश किया था। 17 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा के कितने सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए?
संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो कितने ऐसे सदस्य थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किया था? आपके ऑप्शंस हैं 284, 299, 245 या फिर 550। सही जवाब है ऑप्शन ए, 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया था। 18 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब पारित किया गया था, यानी कब बन के तैयार हुआ था और कब इसे अंगीकृत किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950, 9 दिसंबर 1946 या फिर 24 जनवरी 1950। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। ध्यान दीजिएगा वर्तमान में भी 22 भाग हैं। इनमें से कुछ महत्वपूर्ण जो भाग हैं मैं उनको बताता हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। भाग एक में संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र है, भाग दो में नागरिकता, भाग तीन में मौलिक अधिकार, भाग चार में नीति निर्देशक तत्व, भाग चार क में मूल कर्तव्य, भाग 15 में निर्वाचन, भाग 17 में राजभाषा, भाग 18 में आपात उपबंध, भाग 20 में संविधान संशोधन। तो आप याद रखिएगा। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। 19 नंबर प्रश्न है, संविधान के कितने अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रवर्तित कर दिया गया? आपके ऑप्शंस हैं 20, 26, 10 या फिर 15। तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, 15 अनुच्छेदों को ही 26 नवंबर 1949 को प्रवर्तित कर दिया गया। वे कौन कौन से अनुच्छेद थे? अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, 372, 380, 388, 391, 392 और 393। इनको 29 नवंबर 1949 को ही प्रवर्तित कर दिया गया। माफ कीजिएगा, 26 नवंबर 1949 को ही इन्हें प्रवर्तित कर दिया गया। 20 नंबर प्रश्न है, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1949, 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की आखिरी बैठक हुई थी। और पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। तो आप ध्यान रखिएगा, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कब चुना गया? तो 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 21 नंबर प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? आपके ऑप्शंस हैं 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1949 या फिर 24 जनवरी 1950। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर जरूर पता होगा। तो राइट आंसर है इसका 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो दोस्तों, ये थे संविधान निर्माण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो काफ़ी पसंद आई है। अगर आपने अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और वीडियो अगर पसंद आई है तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।